लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट स्कल ड्रैगन ने ब्लैक की को मार दिया था और ये देखकर साशु ने बहुत ही शॉक होते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ब्लैक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि इंसान तुम बहुत ज्यादा खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा दोस्त मिला, मगर अफसोस अभी से भी मैंने इसके फैमिली के पास भेज दिया है, तो अब बताओ तुम उसे अपनी जान कैसे बचाओगे। और फिर व्हाइट स्कल ड्रैगन अब साशन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि इंसान अब काफी देर हो चुकी है, तुम चाह के भी खुद को मुझसे नहीं बचा सकते, इसीलिए अब पीसफुली अपने फेट को स्वीकार करो, क्योंकि अब से तुम इंसानों की ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य, तुम्हारे से कमजोर कीड़े बस दूसरों की गुलामी और दूसरों के हाथों से मरने के लिए ही जन्म लेते हैं, मगर डरो मत, मैं तुम्हें भी तुम्हारी दोस्त की तरह एक बहुत ही शानदार और शांतिपूर्वक मौत दूंगा जिसके हकदार तो तुम हो ही। और इतना कहकर व्हाइट स्कल ड्रैगन बहुत ही हंसते हुए साशन को मारने के लिए अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन इस इंसान की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। तब साशन अब अपने किलर डोमेन को फैलाते हुए कहता है कि जानता हूँ कि इंसान कमजोर है, ये पावर दरअसल एंशिएंट टाइम के डीमन गॉड से बिलोंग करता है, जिसे अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चूंकि ये पावर डीमन गॉड से बिलोंग करती है, इसलिए अगर एक बार मैंने सुपर नेचुरल पावर का यूज कर लिया तो फिर ये पावर मेरी बॉडी की इविल रेस को कई गुना तक बढ़ाते जाएगा, और तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक मैं अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो ना दूं, यानी अब मैं भी बहुत ही जल्द अपने होशोहवास को खो के एक शैतान बन जाऊंगा। और इतना कहकर साशन बहुत ही इविल तरीके से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि अब मैं अपने होशोहवास में रह के भी क्या कर लूंगा जब मैं किसी अपने को बचा ही नहीं सकता। और ये कहकर साशन अपने अंदर इस इविल रेस को और भी ज्यादा हावी होने देता है, जिसके बाद साशन इस व्हाइट स्कल ड्रैगन की ओर देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस कॉन्टिनेंट में सबसे बुरे और पावरफुल हो, तो आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम एक ऐसे शैतान को देखने वाले हो जिसके गुस्से और मारने के तरीके को देख के तुम्हारे साथ कुछ तो की भी रूह मेरा नाम सुन के कांपा करेंगे, तो अब स्कलबोन ड्रैगन क्या तुम मेरे गुस्से को झेलने के लिए रेडी हो। और ये कहकर साशन सीधे अपनी जगह से गायब होकर स्कलबोन ड्रैगन के पास पहुंच जाता है, जहां पर स्कलबोन ड्रैगन फिर से अपने पंजों को साशन को मारने के लिए बढ़ाता है, चिल्लाते हुए अपने एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इंसान मेरे सामने तुम्हारा कोई भी ट्रिक नहीं चलने वाला, जिस पर साशन हंसते हुए अपने पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और फिर इसके अटैक करने से पहले इसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करके इसका पूरा जबड़ा हिला देता है, जिसके बाद साशन बिना रुके अब इसके फेफड़ों के भी परखच्चे उड़ाने लगता है। तब ये देखकर ये बोन ड्रैगन बहुत ही शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये इंसान इतना ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया, सामने नजर उठाने वालों को भी नहीं बख्शता और तुमने तो मेरे ब्लैकी को मार दिया, अब मैं तुम्हारी बॉडी के एक एक टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों को भी डिस्ट्रॉय करूंगा। और इतना कहकर साशन अब अपने फुल इविल रेज में इस व्हाइट स्कल ड्रैगन के ऊपर टूट पड़ता है, जिसके बाद पागलों की तरह अपने पंचों को इसके बॉडी में इतना मारता है कि इसका बॉडी पूरा डस्ट बन जाता है और सिर्फ अब इस व्हाइट स्कल ड्रैगन का खोपड़ी बचता है, जिसे देखकर साशन हंसते हुए कहता है कि व्हाइट स्कल ड्रैगन कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि इंसान तुम अब मेरी नजरों में आ चुके हो, तुम्हारा चेहरा तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाला, इसीलिए बस तुम उस दिन का वेट करो जब मैं अपनी रियल बॉडी और अपनी सेना के साथ इस रियलम में आऊंगा, उस दिन सब कुछ छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढूंगा और आज तुमने मेरे जितने टुकड़े किए हैं इसे गिन के रखना, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारी बॉडी के इससे भी 10 गुना ज्यादा टुकड़े करूंगा। तब इसके सब कुछ हार चुका है, क्योंकि साशन भी यही रिग्रेट सताए जा रहा था कि वो ब्लैकी को नहीं बचा पाया और यही रिग्रेट अब साशन के इविल रेज में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से साशन बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए यहाँ में था, जिस पर अब साशन अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोता हुआ ब्लैकी को छोड़ के इविल रेज के साथ यहाँ से जाने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि साशन पूरी तरीके से इविल रेज के कंट्रोल में आ चुका है, मगर तभी पीछे से आवाज आती है कि साशन रुक जाओ, और अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, ब्लैकी अभी भी जिंदा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।